हेलो फ्रेंड्स, खास खबर में आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि गोविंदा जी जो मशहूर अभिनेता थे 90s के, उनको जो गोली लग गई थी 3-4 दिन पहले अपने ही रिवॉल्वर से, कुछ असावधानी बस, अब वो बिल्कुल ठीक हैं और स्वस्थ होके जल्दी ही घर आने वाले हैं। तो गोविंदा हम सभी के फेवरेट अभिनेता हैं, हालांकि ये न्यू नहीं है, 90s के मशहूर अभिनेता हैं, लेकिन आज भी यूथ में और हर वर्ग में इनकी काफ़ी चर्चा रहती है। बहुत लोग इनके फैन हैं, खुद मैं भी इनकी फैन हूँ। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी गोविंदा जी की जिंदगी के बारे में मैं आपको दे देती हूँ। गोविंदा एक बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेता, नृतक और पूर्व राजनेता हैं, जिन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को मुंबई में हुआ था। गोविंदा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1986 में फिल्म इल्जाम से की थी और तब से उन्होंने 165 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। गोविंदा को उनके नृत्य कौशल और कॉमेडी टाइमिंग के लिए जाना जाता है। उन्हें 12 फिल्म फेयर पुरस्कारों में नामांकन, 1 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार और 4 जी सिने पुरस्कार मिल चुके हैं। कुछ उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्में हैं लव 86, इल्जाम, हत्या, जीते हैं शान से और हम। इसके अलावा गोविंदा ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया है। वे 2004 से 2009 तक भारतीय संसद के सदस्य थे और मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। गोविंदा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। गोविंदा जी की पत्नी का नाम सुनीता आहूजा है, इनके बेटे का नाम यशवर्धन आहूजा और बेटी का नाम टीना आहूजा है, और खुद गोविंदा जी का पूरा नाम गोविंदा अरुण आहूजा है। तो फ्रेंड्स, ये थी गोविंदा जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जिसे मैंने कलेक्ट किया था, संकलित किया था आप तक पहुंचाने के लिए। आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए अपनी वीडियो को यहीं पे मैं खत्म करती हूँ और भगवान से कामना करती हूँ कि गोविंदा जी जल्दी से स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से वापस अपने घर आ जाएं। तो हम सभी फैंस की ओर से गोविंदा जी को उनके स्वास्थ्य कामना के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो को खत्म करती हूँ। अगली बार फिर मिलूंगी आपके पसंद के किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।